नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बॉडी टाइट टू स्ट्रिंग ऑफ लैंथ एल इज रिवॉल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विदिममिटी वेन द बॉडी रीच इज द अपर अपर मोस्ट पॉइंट कॉमा द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ अलॉन्ग अ पैराबॉलिक पाथ सवाल है दॉर्जेंटल रेंज ए सी ऑफ द बॉडी विल भी हमें बताना है रेंज की होगी ना और यहाँ पे हमने एक u मिनिमम जो आपकी वेलोसिटी होती है वो दिया है सच देट पार्टिकल आपका यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाए राइट सो दिस द स्नैरियो नाउ यहाँ पे बात अपने को पता है इन थ्योरी हम पढ़ चुके हैं u मिनिमम जो आप नीचे लोएस्ट uh, पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट फाइव जी एल अगर एल आपकी लेंथ है हाइएस्ट पॉइंट पर जब आपका पार्टिकल पहुँचता है तो यू आपकी हाइएस्ट पॉइंट पर उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट जी एल ये चीज़ हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं ना इसके बाद यहाँ पहुँच के आपका पार्टिकल रस्सी ब्रेक हो गई आपका पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है सो so, इस केस में अब ये सवाल आपका एक्चुअली यहाँ से इसके बाद पैराबोलिक उसका वर्टिकल वेलोसिटी इसकी जीरो है हॉरिजॉन्टल पैराबोला का सवाल बन गया जहाँ पे आपने यू की वैल्यू दी हुई है अंडरवुड जी आपको बताना है यहाँ से यहाँ जब ये पहुँचेगा तो इसकी रेंज क्या होगी? ना अगर आपने इसे एच हाइट से लॉन्च किया है तो ये बात हमें पता है कि टाइम जो है ऊपर से नीचे आने का टाइम उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू अंडर वू टू एच बाय जी अरेट में इसको हम डिराइव कर चुके हैं और आपकी जो रेंज आती है ये रेंज उसको हम लिखते हैं u मल्टीप्लाइड बाय टी वेर यू इज़ योर इनिशियल हॉरिजोंटल velocity मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी यू की वैल्यू आ चुकी है टाइम टी की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं सो so, आपकी जो रेंज आर है उसको हम लिखेंगे u यानी कि अंडरवूट जी एल मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी यहाँ पर हमें लिखना है ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय एच नाउ ये अगर वैल्यू एल है तो आपकी जो एच होएगी दिस विल बी इक्वल टू टू एल राइट सो मल्टीप्लाइड बाय टू एल डिवाइडेड बाय जी सो so, इसमें यहाँ से जी अंडर रूट जी अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा एल स्क्वायर बन जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट फोर एल स्क्वायर यानी कि जो रेंज है आपकी जिस रेंज ए सी की मैं हम इंटरेस्ट रखते हैं रेंज उसकी वैल्यू हो जाएगी टू एल तो आपका पार्टिकल एग्जैक्टली टू एल पर जाके गिरेगा सो एंड हैंस ऑप्शन नंबर टू एक्स इज इक्वल टू टू एल वुड बी द करेक्ट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया